उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार को पत्र लिखा है। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ प्रांत के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद का नाम सन 1614 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया था। पहले मुरादाबाद का नाम रुस्तम नगर हुआ करता था। मुगल शासकों ने देश पर आक्रमण कर कितने हिंदुओं का नरसंहार किया था। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन्हीं मुगल शासकों ने भारत में लूट खसोट मचाई, इसके बावजूद भी उन मुगल शासकों के नाम पर रोड और शहरों के नाम हैं। हम इनके नाम का गुणगान क्यों करें? हमारी सरकारों को चाहिए कि जिन शहीदों ने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी उनके नाम पर शहरों के नाम रखें। मुरादाबाद दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। हम मांग करते हैं कि मुरादाबाद का नाम पीताम्बरपुर रखा जाए। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्रालय को और देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जो कि एक विश्वव्यापी संगठन है, वो उसका एक ऐसा विचार है इस देश के ऊपर जो शासन करा मुगलों ने करा, हूण आए, कुषाण आए और जो लास्ट फेज में आए वो मुगल आए। आज भी इस देश की सड़कों के नाम जो दिल्ली देश की राजधानी है, औरंगजेब मार्ग, शाहजहां मार्ग, अरे क्यों नहीं एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग होना चाहिए? इसका नाम क्यों नहीं महाराणा प्रताप के नाम पर होना चाहिए? क्यों नहीं उस वहां पर जो है शिवाजी मार्ग होना चाहिए? क्यों ये कलंक कब तक इसको सिर पर रख के ढोएंगे? महिमा मंडल से मेरा मतलब इस बात से है कि ये गुलामी की तस्वीरें कब तक हिंदू समाज अपने सिर पर रख के ढोएगा। इसलिए मैं ये मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जिसने इस तरीके के नाम हैं तत्काल उनके परिवर्तन करके उनके नाम इस देश के रणबांकुरों के नाम होने चाहिए, ऐसे राजाओं के नाम होने चाहिए जिन्होंने इस देश की लड़ाई के अंदर अपना खून बहाया है।